हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू फिटनेस बाय तेज। तो गाइस, आज का जो वीडियो है उसको मैं एक सप्लीमेंट रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर मैंने पहले भी दो वीडियोस बनाई थी और उन दो वीडियोस में मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला था कि मैंने सोचा कि एक वीडियो और बनाई जाए। वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं आपको, वीडियो बनाने से पहले मैं ये, जिस सप्लीमेंट का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है ब्लैक स्पाइडर का फैट बर्नर। बट फैट बर्नर का नाम लेते ही काफ़ी सारे लोगों के माइंड में एक ऐसा मिथ आ जाता है कि भाई ये ऐसे करेगा वैसे करेगा। तो मैं इसके रिव्यू करने से पहले आज आपको सबसे पहले मेरे जितने भी YouTube के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे को कमेंट करके ही पूछते हैं, जिनको मैं रिप्लाई करता हूँ, और जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि फैट बनने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप ओवरडोजेस नहीं लेते उसकी, जब तक आप उसका मिसयूज़ नहीं करते तब तक। वो कैसे होगा मैं आज आपको बताऊँगा। मैंने कुछ 4-5 कमेंट्स जो बहुत कॉमन मेरे पास आए उनके ऊपर मैंने नोटिस किया और मैंने सोचा कि इनके ऊपर मैं आज आपको रिप्लाई ऐसा वीडियो में बताऊं। तो सबसे पहले मेरे पास जो सबसे कॉमन एक कमेंट आता है वो ये आता है कि माय हाइट इज दिस, माय वेट इज दिस, कैन आई टेक दिस, वेट इतना है तो मैं इसको ले सकता हूँ। इस कोई भी आप फैट बर्नर लेते हो, आपको सबसे पहले उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि जब भी आप ले रहे हो, आप जिम के अंदर हो या आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपने अपनी बॉडी को मूव करना है, चाहे वो कोई रनिंग करना हो या फिर कोई जिम हो जहाँ पे आपको वर्कआउट करना हो या कोई भी ऐसी चीज करनी हो जिसमें आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, तो ही इसको आपको लेना है बिफोर वर्कआउट या बिफोर एक्सरसाइज। मेरे पास ये कमेंट बहुत आता है कि गर्ल्स इसको ले सकती हैं, गर्ल्स के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी हो, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो या किसी भी एज का वो, कोई डिसीज नहीं होना चाहिए उसको। अगर कोई फैट बर्नर लेना भी है तो वो नेचुरल फैट बर्नर से स्टार्ट कर सकता है। अगर उसने कभी भी कोई फैट बर्नर नहीं लिया है तो वो फर्स्ट टाइम कोई भी फैट बर्नर लेना चाहता है तो वो चाहती है या चाहता है तो वो पहले किसी लाइट से फैट बर्नर से स्टार्ट करें, क्योंकि मार्केट में नेचुरल फैट बर्नर भी बहुत है। और जो मेरी पहली वीडियो आई थी फैट बर्नर के ऊपर, वो जो थी वो भी एक नेचुरल फैट बर्नर पे थी, जिसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो हर्बल थे, उसमें कुछ ऐसा नहीं था, ना कैफीन थी ना फेटरा था ना कोई अलग अलग तरह के स्ट्रॉन्ग पोटेंट इंग्रेडिएंट्स थे। अगर आप पहले कभी कोई फैट बर्नर यूज़ कर चुके हैं जो बहुत लाइट थे बट आपको थोड़ा बहुत इंचेस में लूज हुआ या आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिला और अब आप चाह रहे हो कि कोई एक्सट्रीम या कोई पोटेंट फैट बर्नर मैं यूज़ करूँ, कोई आप हैवी डोज वाला फैट बर्नर यूज़ कर सकते हो, बट आपको अपनी, आपसे कमिटमेंट ये करना है कि ये फैट बर्नर लेने के बाद आपको कम से कम 1 या 1.5 घंटा एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो। जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी एक्टिविटी हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो चाहे वर्कआउट की हो। जो मेरे पास कमेंट आता है वो ये आता है कि मेरे लिए कौन सा फैट बर्नर अच्छा रहेगा। मैंने जैसे कि आपको सेकंड पॉइंट में बताया है कि अगर आपने पहले कभी कोई यूज़ नहीं किया तो आप लाइट फैट बर्नर से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद आप कोई हैवी फैट बर्नर ले सकते हो। और अगर आपको रात को टाइम पे सोने की आदत है और आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई भी फैट बर्नर का यूज़ करो, क्योंकि ये 8 या 10 घंटे के लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये बॉडी में काफ़ी टाइम तक रहता है। आप अगर 2 घंटे 2.5 घंटे एक्सरसाइज भी कर लेते हो तो मैं शायद आपको ये कह सकता हूँ कि आपने इसको अच्छे से यूटिलाइज करा है और अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करी है, बट फिर भी ये आपके ब्लड में रहता है 7 या 8 घंटे तक इसका असर, क्योंकि ये हैवी कैफीन डोजेज होती है तो आपकी बॉडी को ये ज़्यादा एक्टिव रखता है काफ़ी टाइम तक। और उसके बाद जब आप 8-10 घंटे का गैप देते हैं तो आपको एक प्रॉपर नींद आनी शुरू हो जाती है। मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप इसको मॉर्निंग में लें तो ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और मॉर्निंग में अगर आप एक्सरसाइज खाली पेट भी करते हैं, फैट बर्नर लेके कुछ लाइट सा फ्रूट्स लेके आते हैं अपने घर से और वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं तो आपको बेटर रहेगा। फोर्थ मेरे पास कमेंट ये आता है कि मैं ये इसको कहाँ से परचेज करूँ, ये वाली वेबसाइट अच्छी है, वो वाली वेबसाइट अच्छी है या नहीं है। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपको लेना ही है तो अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको एक ट्रस्टवर्थी एक वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको प्रोडक्ट अच्छे मिल जाएंगे। हो सकता है वो 50-100 रुपये ज़्यादा महंगा हो बट आपको अगर चीज़ अच्छी मिल जाए, जेन्युइन मिल जाए, ऑथेंटिक मिल जाए तो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से फैट बर्नर्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने एज के अकॉर्डिंग, और कौन कौन से फैट बर्नर अगर आपने पहले यूज़ कर रखे हैं और उसके बाद आप फैट बर्नर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। साथ में जो लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं इन फैट बर्नर्स को, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं नेचुरल फैट बर्नर्स के लिए उनको
पहले रेकमेंड करूंगा, जैसे कि बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, गार्शीनिया है एक तरह का हर्बल जो नेचुरल फैट बर्नर है, या फिर आप खाली कैफीन लेके भी अपनी बॉडी में वेट को लॉस कर सकते हैं। अगर आप अच्छा फोकस करना चाहते हैं अपने वर्कआउट में, तो आप एनर्जी को यूटिलाइज करके फैट को बर्न कर सकते हैं। कैफीन जो होता है आपको एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है, आपकी बॉडी को एक्टिव कर देता है, और साथ में आपको एक फोकस देता है जिससे कि आप अपनी वर्कआउट अच्छा कर पाए। तो अब मैं रिव्यू स्टार्ट करता हूँ अपना ब्लैक स्पाइडर के ऊपर। उससे पहले मैं यही कहूँगा कि जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे उनको अपडेट्स मिलती रहें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और जो लोग मेरी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि लाइक शेयर जरूर करना यार, ताकि मुझे आगे और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नई नई वीडियोज़ लेके आता रहूँ, आप लोगों को बेनिफिट देता रहूँ। क्योंकि मेरा तो यही काम है कि मैं अपने आप को भी फिट रखूं और आप लोग मेरी वीडियोस देख के फिट रहें। ब्लैक स्पाइडर फैट बर्नर के ऊपर ये काफ़ी टाइम से मार्केट में अवेलेबल है और इसका रिजल्ट अच्छा है, इस वजह से ये अपनी मार्केट में सर्वाइव भी कर रहा है। बट ये एक हार्ड फैट बर्नर है जिसके ऊपर मैं आज रिव्यू दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो रिव्यू दिया था, एक नेचुरल फैट बर्नर था और एक ब्लैक वाइपर था, तो वो एक हार्ड था और एक काफ़ी नॉर्मल सा एक नेचुरल सा फैट बर्नर था। बट आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा पोटेंट है। इस पर लिखा भी हुआ है कि ये एक विकेडली पोटेंट थर्मोजेनिक सपोर्ट और डू नॉट एक्सीड 2 कैप्सूल्स डेली। बट मेरी रिकमेंडेशन 1 कैप्सूल की है, क्योंकि अगर आप 1 कैप्सूल लेते हैं तो वो ही आपको काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट दे देगी। हो सकता है आपको 15 दिन 20 दिन की जगह आपको महीना 1.5 महीना लग जाए इसमें, बट मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक से ज़्यादा डोज ना लें तो ही बेस्ट होगा। अपना वर्कआउट अच्छा करें, पैटर्न्स चेंज करते रहें अपने वर्कआउट्स के, हैवी लिफ्टिंग करें और बीच बीच में कार्डियो करें, और मेन बात तो डाइट की है जो मैं हर बार बताता हूँ। अगर आप डाइट नहीं करोगे तो ये फैट बर्नर भी कुछ नहीं करेगा। फैट बर्नर में पोटेंट क्यों है, क्योंकि एक तो एफेड्रा है इसके अंदर, दूसरी बात ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको वेलनेस का काम भी करते हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए नहीं है, क्योंकि इसमें अगर कुछ चीज़ ऐसी भी डाली हुई है जो आपकी बॉडी को हार्म करे, बट साथ में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी डाले जाते हैं ताकि हार्म होने से आपको बचाया जा सके। इसमें योहिम्बे होता है जो आपकी बॉडी में किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आने देता, बॉडी में या नर्व्स में, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रॉब्लम नहीं होने देगा आपकी बॉडी में, जो आपका ऑक्सीजन लेवल है वो अच्छा रहेगा, और सेक्सुअल जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी मिथ बने हुए हैं कि फैट बर्नर लेने से ये हो जाता है वो हो जाता है, वो सब भी नहीं होगा, और वैसे भी नहीं होता है इसको लेने से। बट फिर भी जो कंपनीज होती हैं वो अपने कस्टमर्स का ध्यान रखने के लिए इंग्रेडिएंट्स का डालना पसंद करती हैं, ताकि लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, जितने भी उनके वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं वो सेफ रहें, उनको एक सेफ्टी मेजर के चलते हुए या उनको एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए इन सब इंग्रेडिएंट्स का डालना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उनको ऐसा कुछ डर ना रहे बॉडी में कि मैं ये चीज़ तो ले रहा हूँ बट इसमें अच्छी चीज़ क्या है, इसमें बुरी चीज़ क्या है। वो सब चीज़ों का एक मिक्सचर डाला जाता है, जिस वजह से आपको वेलनेस का काम भी करता है ये फैट बर्नर बहुत जगहों पे। एक कमेंट मेरे पर बहुत अच्छा आया था, मैं आपको बताना भूल गया कि मेरी बॉडी का मसल लॉस तो नहीं हो जाएगा अगर मैं इसको लेता हूँ, तो मैं आज आपको बता देता हूँ फैट बर्नर लेने के बाद आपको करना क्या है। बेसिकली 99% लोग फैट बर्नर का तब यूज़ करते हैं जब वो अपनी बॉडी में अच्छी खासी गेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद उनको श्रेड होना होता है, कट करना होता है, या फिर वो पहले से इतने फैटी होते हैं उनकी बॉडी में कुछ मसल नहीं होता, उनको पहले अपनी बॉडी से फैट को रिलीज़ करना होता है, मेल्ट करना होता है, उसके बाद जब वो अपनी बॉडी को शेप में ले आते हैं उसके बाद वो मसल गेन करते हैं। तो ये 2 प्रोसीजर होते हैं जिसके बाद हम फैट बर्नर का यूज़ जो होता है एग्जैक्ट वे में करते हैं। तो इस फैट बर्नर में बहुत सारी ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देंगी, और थर्मोजेनिक बहुत है ये, क्योंकि आपको लेने के बाद इसको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होएगी, आपकी बॉडी में एक एक्टिवनेस आ जाएगी। तो आप लोगों को करना क्या है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, अच्छी एक्सरसाइज करनी है। और जहाँ तक मसल लॉस की बात है, मसल लॉस का मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसके साथ ज़्यादा कार्डियो करेंगे तो आपकी बॉडी में मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। और मसल लॉस का जो मेन रीज़न होता है वो आपकी जो डाइट होती है, उसमें अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम होता है तो भी आपका बॉडी से मसल लॉस होता है। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप इसके साथ अगर आप कार्डियो ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप BCAA को लोड कर सकते हैं अपनी बॉडी में, और प्रोटीन के साथ आप ग्लूटामिन का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है मसल को रिकवरी करे, और मसल ट्रेनिंग को छोड़े ना, क्योंकि मसल ट्रेनिंग अगर आप करेंगे तो अगर आपका सिर्फ मोटिव ये है कि आपको वेट लॉस करना है तो भी आप मसल ट्रेनिंग करें,
उसमें पैटर्न आपका ये होगा कि आपको रेपिटेशन ज़्यादा करने पड़ेंगे, वेट मीडियम वेट यूज करना पड़ेगा ताकि आपकी जो बॉडी में फैट है वो आपकी शेप में आ जाए। लोग पहले से काफी गेन कर चुके हैं अपने मसल को बट वो कट करना चाहते हैं, श्रेड करना चाहते हैं, उनके वर्कआउट का पैटर्न अलग होगा, उनको अपनी बॉडी में रेपिटेशन ज़्यादा करने पड़ेंगे, उनको वेट ज़्यादा लाइट मारना पड़ेगा ताकि उनकी बॉडी में जो है मसल रह जाए और फैट अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाए और जितना एक्स्ट्रा एक्सेस में फैट है वो मेल्ट हो जाए फैट बर्नर को लेने से। ये थी मेरी आज की वीडियो ब्लैक वाइपर के ऊपर। मेरी तरफ से यस है, इसको लेना वर्थ है अगर आपका जो फैट परसेंटेज का गोल है वो काफ़ी नीचे तक लाने का है, अगर आपका फैट लॉस का गोल है, कट करने का गोल है, श्रेड करने का गोल है। डिस्क्रिप्शन में मैं ये भी मेंशन कर दूंगा कि आपको फैट बर्नर के साथ क्या क्या चीज़ें आप चला सकते हैं सप्लीमेंट्स में, जिसके बाद आपकी बॉडी से ना मसल को लॉस होगा ना आपकी बॉडी में किसी तरह का साइड इफेक्ट आएगा। जितने भी आप लोग मिथ में हैं या आप लोगों को डर लगता है फैट बर्नर लेने से, तो मैं सेफ्टी की सारी या वेलनेस के सारे सप्लीमेंट्स का मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। और कुछ भी उसके अलावा ऐसा कुछ है जो मैंने आपको नहीं बताया तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश रहती है कि मैं सारे कमेंट्स करूं आपको और मैं ऑलमोस्ट करता ही हूं। ठीक है, साथ इस वीडियो को करता हूं मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक और शेयर करते रहना। जल्दी ही मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।